नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट के बारे में बताऊंगा। अश्विन जी हमारे एक व्यूअर हैं, उनका यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उन्होंने ये पूछा है कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में हम कितना जमा कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट, और कितनी बार जमा कर सकते हैं एक दिन में। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। डेडिकेटेड वीडियो बनाने का ये रीजन है कि बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन आ रहा था कि डिपॉजिट की लिमिट क्या है, विड्रॉ की लिमिट क्या है। अगर हम अपने होम ब्रांच यानी कि जहां हमने सेविंग्स अकाउंट ओपन किया है वहां विड्रॉ और डिपॉजिट की क्या लिमिट रहेगी, या फिर अदर ब्रांच से अगर हम डिपॉजिट या विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसकी पर डे की क्या लिमिट रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर बैंकिंग हो गया है, इंटरनेट बैंकिंग कोर बैंकिंग होने के कारण सीबीएस पोस्ट ऑफिस के कारण आप किसी भी अदर पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इस रूल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट अगर आप होम ब्रांच में यूज कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है पर डे की। मिनिमम लिमिट की मैं बात करूं तो आप मिनिमम 10 रुपए से इसमें जमा कर सकते हैं। याद रखिएगा मिनिमम लिमिट 10 रुपए डिपॉजिट की है, पर मिनिमम बैलेंस आपका 500 रुपए सेविंग्स अकाउंट में रहना चाहिए। अगर आपका 500 रुपए सेविंग्स अकाउंट में नहीं रहता है तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में 50 रुपए आपके पेनल्टी के तौर पर काट दिया जाएगा, और अगर ऐसा रिड्यूसिंग होता रहा जब आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आपको इसलिए 500 रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम मेंटेन करके रखने हैं। मैक्सिमम अगर बात बोलो तो मैक्सिमम आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई है, इसमें आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट आपको और एक दिखाना चाहता हूँ, हमारे एक व्यूअर का है जिन्होंने लिखा था कि आई हैव 84 लाख्स इन माई सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। तो आप समझ सकते हैं कि आप इसमें कितना भी पैसा रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम के बारे में आप जमा क्लियर हो गए होंगे। अब मैं विड्रॉ की अगर बात करूं तो मिनिमम आप इसमें विड्रॉ 50 रुपए कर सकते हैं, और मैक्सिमम के आपके अगर होम ब्रांच से आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आपको अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना भी विड्रॉ करना है आप इजिली कर सकते हैं। डिपेंड करता है कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑफिस, आपकी कौन सी कैटेगरी है, सब पोस्ट ऑफिस है, हेड पोस्ट ऑफिस है, तो वो डिपेंड करता है, और वहां पर टाइम लगने का भी थोड़ा रहता है। अगर आप सब पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं तो 1-2 दिन वहां आपका टाइम लग जाता है। विड्रॉल आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, आप अपना विड्रॉल फॉर्म से उसे विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपके पास पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट की चेकबुक है तो आप चेकबुक से भी इसे विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आप एटीएम यूज कर रहे हैं तो एटीएम के थ्रू भी आप पर डे उसकी लिमिट है 10,000 या 15,000 रुपए, वो भी आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आती है अदर ब्रांच की। अगर जैसा कि आप जानते हैं कोर बैंकिंग हो गया और इसका बेनिफिट हर कोई ले सकता है, आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से भी इसे विड्रॉ कर सकते हैं। सपोज आपने बहुत साल पहले किसी पोस्ट ऑफिस में ओपन किया था, वो आपके घर से 2-3 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है, बट अभी पोस्ट ऑफिस आपके घर के पास नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम विड्रॉ लिमिट पर डे आप 50,000 रुपए अदर ब्रांच से कर सकते हैं, और डिपॉजिट भी पर डे आप 50,000 रुपए मैक्सिमम कर सकते हैं अदर ब्रांच में। तो ये एक सुविधा गवर्नमेंट के थ्रू लाई गई है, बहुत टाइम हो गया इसे लागू किए हुए, पर अभी तक बहुत सारे कमेंट्स के हिसाब से मैं जो जान पाता हूँ कि अभी तक बहुत लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए वो अपने होम ब्रांच ही जाते हैं, वहीं से विड्रॉ और डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसा आप नहीं है, आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में किसी में भी जाकर मैक्सिमम आप 50,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं और मैक्सिमम 50,000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये वीडियो सेविंग्स अकाउंट का है पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आरडी, सुकन्या, पीपीएफ में भी अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर इन सब स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर डे की लिमिट 50,000 रुपए ही रहे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपके जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट और विड्रॉ की जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है कि क्या लिमिट है आपके होम ब्रांच में और अदर ब्रांच में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका भी कोई सवाल है और जितने ज्यादा सवाल आएंगे एक ही टॉपिक के ऊपर तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स है उनके बारे में भी जान सके, ये मैक्सिमम और मिनिमम डिपॉजिट की लिमिट के बारे में भी जान सके। थैंक यू।